काफी दिन इधर उधर बैठकर गुजारने के बाद मेरी नौकरी लगी, जिससे मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफी खुश थे। मगर दिक्कत की बात तो ये थी कि मेरी नौकरी हमारे शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में टीचर की लगी थी, तो मुझे अपने गांव से दूर उस गांव में जाना था। इस बात को लेकर मेरे घर वाले काफी उदास थे, मगर किया भी क्या जा सकता है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। काफी देर घर वालों को समझाने के बाद अगले दिन सुबह मैं ट्रेन पकड़कर छायापुर गांव के लिए निकल पड़ा। मैंने सुबह 9 बजे वाली ट्रेन पकड़ी थी और मैं शाम के 7 बजे छायापुर गांव पहुंच जाऊंगा, जिस कारण माँ ने मेरे लिए टिफिन दिया था। काफी घंटे ट्रेन में गुजारने के बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं छायापुर गांव पर उतरा, तो अंधेरे ने उस गांव को पूरी तरह से घेर रखा था। वो स्टेशन काफी छोटा और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसमें मुझसे थोड़ी ही दूरी पर बस मुझे एक आदमी ही दिख रहा था, जो एक टॉर्च लाइट लेकर खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि वो स्कूल के हेड मास्टर हैं, उस स्कूल के जिसमें मेरी नौकरी लगी थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाऊंगा और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर दूंगा। तो मैं चलकर स्टेशन पर खड़े उस आदमी के पास गया, तो उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आप ही हैं कुंदन? उस आदमी की ये बात बोलते ही मैं समझ गया कि यही हेडमास्टर अशोक हैं। इस पर मैंने बोला, हाँ हाँ मैं हूँ कुंदन, हेडमास्टर साहब। जिसके बाद हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले, तो बाहर भी काफी ज्यादा सुनसान और सन्नाटा था। इस पर मैंने हेडमास्टर साहब से कहा, क्या बात है, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, गांव का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। जिस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, यह गांव रात के वक्त कुछ ठीक नहीं है, लोगों का मानना है कि अंधेरा होते ही इस गांव में आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं और लोगों को अकेला पाकर उनको मार डालती हैं। हेडमास्टर साहब की ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हेडमास्टर साहब ने दोबारा कहा, तुम भी थोड़ा संभल कर रहना, इस गांव में अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, और हाँ हमेशा रात को खिड़की दरवाजे बंद कर ही सोना। बात करते करते थोड़ी दूर चलने के बाद हेडमास्टर साहब मुझे घर के बाहर ले आए और चाबी देते हुए कहा, ये लीजिए आपके घर की चाबी, और अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊँगा। इतना बोलकर हेडमास्टर साहब चले गए, जिसके बाद मैंने दरवाजे पर लगे ताले को खोला और घर के अंदर गया, तो घर के अंदर का माहौल काफी साफ सुथरा था। ये देखकर मुझे पता चल गया कि हेडमास्टर साहब ने मेरे आने से पहले ही इस घर को साफ कर दिया है। सुबह से काफी सफर करने के कारण अब मैं काफी थक गया था, तो मैं हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हुआ और सीधे सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। उस घर में एक खाट और एक टेबल को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। अभी मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी एक झटके से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई, मगर बाहर तो हवा चल ही नहीं रही थी, तो फिर अचानक खिड़की खुली तो खुली कैसे, ये सोचकर मैं बिस्तर पर से उठा और खिड़की के पास गया, तो सच में बाहर थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी। तो मैं खिड़की से झांक कर आसपास देखा, मगर कहीं भी कोई नहीं था, जिसके बाद मैंने वापस से खिड़की लॉक किया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी नींद मेरे दरवाजे पर हो रही दस्तक से खुली, तो मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा, तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए दरवाजे पर हो रही दस्तक से मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला इतनी रात को कौन होगा,
और हेडमास्टर साहब ने तो मुझे रात के वक्त दरवाज़ा खोलने से साफ साफ मना किया था। फिर मैंने कुछ देर तक उस दस्तक को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो दस्तक लगातार मेरे दरवाजे पर होए जा रही थी, जिससे तंग आकर मैं बिस्तर पर से उठा और चलकर दरवाजे के पास गया और चिल्लाकर पूछा, कौन है, कौन है बार? तो मेरी ये पूछने पर कुछ पल तो सब कुछ शांत रहा, फिर दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई, कुंदन मैं हूं अशोक। उस आवाज को सुनकर मैं समझ गया कि ये हेडमास्टर अशोक हैं। तो मैंने झट से दरवाजा खोला तो बाहर हेडमास्टर अशोक खड़े थे, मगर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके सर से काफी खून बह रहा था। ये देखकर मैंने हेडमास्टर से कहा, क्या हुआ सर, आपको चोट कैसे लगी? इस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, वो मैं घर जाते वक्त गिर गया, जिससे मुझे काफी चोट आ गई और मैं घर ना जाकर तुम्हारे पास ही आ गया। जिसके बाद मैंने हेडमास्टर को बिठाया और उनकी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने के बाद मैंने मास्टर जी को सोने को कहा तो वो भी सो गए, जिसके बाद मैं बिस्तर जमीन पर लगाकर सो गया। मैं इतना थका हुआ था कि मेरे बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अचानक मेरी आंख खुली तो कमरे के अंदर काफी सन्नाटा छाया हुआ था और मुझे ना जाने क्यों काफी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर से जकड़े हुए है। फिर भी मैं किसी तरह उठा और ऐसी ही पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी नजर उस खाट पर गई जिस पर हेडमास्टर साहब सो रहे थे। मेरी नजर उस खाट पर पड़ते ही मेरे एकदम से होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि जिस खाट पर थोड़ी देर पहले हेडमास्टर साहब सोए हुए थे उस खाट पर अब एक कंकाल लेटा हुआ था, जिसकी आंख लाल चमक रही थी। उस कंकाल को देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मुझे इस तरह कांपता देख वो कंकाल उठकर मेरे पास आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उस कंकाल को इस तरह हंसता देख मेरे हाथ पैर फूलने लगे कि तभी उस कंकाल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और भागकर घर से बाहर निकला और उसी रास्ते की तरफ दौड़ने लगा जिधर से मैं आया था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे उल्टा घसीटने लगा। फिर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि वही कंकाल मुझे घसीट रहा है। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तभी मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां दो चार लोग मसाल लेकर आ गए, जिनके आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये रात को गांव की पहरेदारी करते हैं, क्योंकि हर रोज इस गांव से एक आदमी गायब हो जा रहा है। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि ये काम उस भूत का है। तब मैंने अपनी पूरी आपबीती उन सभी को बताई, जिस पर उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप, हेडमास्टर अशोक तो कल रात को ही लापता हो गए थे और उनकी लाश आज सुबह ही मिली थी। ये सुनकर मैं दंग रह गया कि हेडमास्टर अशोक भी भूत थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज से काफी सालों पहले जब मेरी उम्र महज 19 वर्ष की थी, तब मेरे साथ एक घटना घटी थी। इस घटना ने मेरे भूत प्रेत देखने का नजरिया ही बदल दिया। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को एक सिरे से ही नकार देता था, मगर इस घटना के बाद से भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मेरे भैया को छोड़कर
हमारा पूरा परिवार गांव में रहा करता था और मेरे भैया शहर में रहकर काम किया करते थे, जिस कारण भैया काफी दिनों के बाद बाद छुट्टियों में गांव आया करते थे। उस समय मैं पढ़ाई के साथ साथ खेती में अपने पापा का हाथ बटाया करता था। एक दिन मैं दोपहर के 12 बजे अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि तभी हेमंत भागता हुआ मेरे घर आया और बोला, भानु चल, तेरे भैया ने फोन किया है। असल में हेमंत मुखिया जी का बेटा है और मेरा काफी अच्छा दोस्त है। उस समय हमारे पूरे गांव में एक ही लैंडलाइन फोन हुआ करता था मुखिया जी के घर में, और मेरे भैया को जब भी हमसे बात करना होता था तो वो मुखिया जी के लैंडलाइन पर ही कॉल किया करते थे। हेमंत की ये बात सुनने के बाद मैं भागता हुआ उसके घर गया तो मेरे भैया से बात करते ही भैया ने कहा, भानु मैं आज आ रहा हूँ तो तू रात को स्टेशन साइकिल लेकर आ जाना। भैया के मुंह से ये सुनते ही मैं काफी खुश हुआ और मैंने भैया से कहा, वो तो ठीक है भैया, मैं तो आ जाऊंगा, मगर आप कितने बजे आ रहे हैं? इस पर भैया ने कहा, मैं रात के 11 बजे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, तो तू रात के 10 बजे घर से निकल जाना। इतना बोलकर भैया ने फोन रख दिया, जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर गया और घर वालों को पूरी बात बताई तो मेरी बात सुनकर घर वाले काफी खुश हुए, जिसके बाद माँ भैया के पसंद का खाना बनाने में लग गई। पापा भी भैया के आने की खबर सुनकर काफी खुश थे। फिर मैं और पापा खेत चले गए और 2 घंटे बाद खेत से वापस लौटे। 10 घंटे का ये समय तो मानो बीत ही नहीं रहा था। खुशी के मारे ना तो हमसे खाया जा रहा था और ना ही नींद आ रही थी, बस हमारी निगाहें खुद ब खुद बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। ऐसे तो मैं हर दोपहर को सो जाया करता था, मगर आज मैं खुशी के मारे सो नहीं पाया। खैर, 10 घंटे 10 साल की तरह बिताने के बाद अब वो वक्त आ ही गया जब मुझे स्टेशन जाने के लिए घर से निकलना था। तो मैंने फटाफट से अपना साइकिल निकाला और घर वालों को आता हूँ बोलकर स्टेशन की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 10 बजना यानी काफी रात, जिस कारण घर के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर का माहौल एकदम ही वीरान सा हो गया था। हालांकि ये तो मुझे पता ही था कि हमारे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद काफी कम निकलते हैं और रात को जल्दी सो जाया करते हैं, तो इतनी रात गए बाहर कौन होगा। खैर, मैं वहां खड़े खड़े समय जाया ना करके स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस वक्त हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे आगे का रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ते के किनारे घने जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी। खैर, भला तो हो इस बात का कि उस समय हम सभी लोग अपने साथ रात के वक्त एक टॉर्च रखा करते थे, जो रात के अंधेरे से लड़ने के लिए एक हथियार का काम किया करती थी। तो मैंने अपना टॉर्च निकाल कर जलाया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि मेरे साइकिल चलाने की आवाज काफी तेज सुनाई पड़ रही थी, जिससे मुझे काफी डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर साइकिल की आवाज सुनकर मुझ पर हमला ना कर दे, क्योंकि उस समय हमारे गांव में जंगली जानवरों का आतंक काफी ज्यादा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस पूरे माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। हमारे यहाँ से स्टेशन करीबन 45 मिनट का रास्ता था, तो मुझे अभी काफी देर साइकिल चलाना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा,
तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा वीरान था। ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण मुझे साइकिल चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल एकदम से रुक गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? चलती साइकिल अचानक से कैसे रुक सकती है? मैंने तो ब्रेक भी नहीं दबाया। मैं पैंडल मारकर साइकिल आगे बढ़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी साइकिल थी जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कहीं साइकिल के नीचे कुछ फंस तो नहीं गया? ये सोचकर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी साइकिल किसी चीज में फंसी नहीं थी, बल्कि एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठकर अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरी साइकिल को पीछे से पकड़कर रखा था। मगर किसी का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है? जिसके बाद मैंने अपनी टॉर्च की लाइट को पेड़ के ऊपर बैठे उस आदमी की ओर घुमाई तो उस आदमी के ऊपर टॉर्च की लाइट पड़ते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा और मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। साथ ही साथ उसके सिर पर दो सींग भी निकले हुए थे। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, और शायद वो शैतान अब मुझे भी मार डालेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी उस शैतान ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर उस शैतान के हाथों से अपने गले को छुड़ाने लगा, और शायद उस दिन मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा हुआ था, जिस कारण उस भूत के हाथ से मैंने अपना गला छुड़ा लिया और मैं सीधे भागता हुआ स्टेशन पहुंचा, जहां मेरे भैया मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती भैया को बताई और मैं उनके साथ वापस घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।